बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। जब बाढ़ ही खेत को चढ़ने लगे तो खेत का हश्र क्या होगा, यह सवाल फर्स्ट बाइट पूछता है प्रदेश के हुक्मरानों से, उन हुक्मरानों से जो बराबर दावा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। नोएडा में फर्जी मस्टर रोल तैयार कर होमगार्ड का वेतन हड़पने के मामले की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन इस बीच ही जिला कमांडेंट होमगार्ड बुलंदशहर व मेरठ के कई वीडियो वायरल हो गए हैं। होमगार्ड के बीच तेजी से वायरल इन वीडियो में जिला कमांडेंट 2,000 रुपये के नोट थामते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो की सच्चाई कितनी है यह तो जांच में ही पता चलेगा, लेकिन इसने मौजूदा व्यवस्था पर जोर सवार निशान लगा दिए हैं। होमगार्ड किस परिस्थिति में और कितने दोयम व्यवहार के चलते अपने ड्यूटी करते हैं यह बात किसी से छिपे नहीं है, और बेरोजगारी की भी। बेरोजगार युवक किसी तरह अपनी ड्यूटी होमगार्ड के रूप में लगवा पाते हैं, जिसकी एवज में 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें मानदेय मिलता है। नोएडा में भी हाल ही में पुलिस कप्तान वैभव किशन ने खुलासा किया था कि होमगार्ड विभाग के एक प्लाटून कमांडेंट ने शिकायत की थी कि फर्जी ड्यूटी दिखाकर वेतन हड़पा जा रहा है। इस पर जिला स्तर पर बतौर सैंपल 7 थानों में 2 माह मई व जून के दौरान लगाए गए होमगार्ड्स की ड्यूटी की जांच कराई गई। पाया गया कि करीब 8 लाख रुपए का घपला फर्जी मास्टर रोल तैयार करके किया गया है। थानों में लगाए जाने वाले होमगार्ड के मास्टर रोल पर थानेदार के भी हस्ताक्षर होते हैं, लिहाजा जांच में यह भी पाया गया है कि इस घोटाले में लिप्त विभाग के लोगों ने फर्जी हस्ताक्षर व सील तैयार कर इस घोटाले को अंजाम दिया है। कुछ सील भी बरामद हुई है। शासन ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी बना दी है, जिसे 10 दिन में अपनी रिपोर्ट शासन को देनी है। अभी इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन इस बीच नए वीडियो जारी हो गए हैं। आइए पहले देखते हैं क्या है इन वीडियो में। इस जारी वीडियो में पैसों का लेन देन करते जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वह है मुकेश कुमार, जिला कमांडेंट होमगार्ड बुलंदशहर। इन पर मेरठ का भी अतिरिक्त कार्यभार है। इनसे जब फर्स्ट बाइट ने बात की तो इन्होंने बताया कि यह वीडियो उन्हीं का है, लेकिन यह 2018 में उनके हमराह रहे गार्ड ने बनाया था। उनके मुताबिक हमराह ब्याज पर पैसे चलाने का काम भी करता था। इस वीडियो में वही बात की जा रही है। हमराह की पत्नी पूनम वर्मा पिछले 15 साल से यहाँ कार्यरत है, वह ADC है। उनका शासन ने प्रशासनिक आधार पर एटा तबादला कर दिया है, लेकिन वह यहाँ से जा नहीं रही थी। 3 माह बाद उन्हें जब कल रिलीव किया गया तो इन दोनों ने 2018 में बनाए गए वीडियो जारी कर दी। अब ADG को इसकी रिपोर्ट की जा रही है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर के होमगार्ड व्यवस्था में जो भी ADC पद पर कार्यरत हैं वे सभी लंबे समय से एक ही जिले में जमे हुए हैं। मसलन नोएडा के सतीश कुमार और मेरठ के अशोक चौधरी आदि को 10 से 15 साल एक ही जिले में हो गए हैं। मास्टर रोल पर भी कमांडेंट से पहले ADC के हस्ताक्षर होते हैं। इतना ही नहीं, पैसे लेकर ड्यूटी लगाने के आरोप भी समय समय पर दबी जुबान पर सामने आते रहे हैं, लेकिन अब मुकेश कुमार के वीडियो ने यह सब जग जाहिर कर दिया है। आज के इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट पार्ट .tv। नमस्कार।